हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, आर डी गर्ल्स कॉलेज। हम लोग पढ़ रहे थे बीए पार्ट सेकंड के भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के संबंध में। अब तक हमने देखा समानता और स्वतंत्रता का अधिकार। आज पढ़ेंगे तीसरा अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 के द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। भारत में सदियों से किसी न किसी रूप में दासता की प्रथा विद्यमान थी, जिसके अनुसार हरिजनों, खेतिहर श्रमिकों तथा स्त्रियों पर विभिन्न प्रकार के अनाचार किए जाते थे। नवीन संविधान के अंतर्गत मानवीय शोषण के इन सभी रूपों को कानून के अनुसार दंडनीय घोषित कर दिया गया है। अनुच्छेद 24, बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन बच्चों को अन्य प्रकार के कामों में लगाया जा सकता है। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने, उसका अनुसरण करने एवं प्रचार करने का अधिकार होगा। सिखों द्वारा कृपा धारण करना और उसे लेकर चलना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अनुच्छेद 26, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। इसमें अनुयायियों को कई अधिकार प्रदान किए हैं, जैसे धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवाओं की स्थापना और उनके पोषण का अधिकार, धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार, चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार। अनुच्छेद 27, धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट। इसमें कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। अनुच्छेद 28, राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। पांचवा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 एवं 30। अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह भी कह दिया गया है कि किसी भी राजकीय या राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्था में प्रवेश के संबंध में मूल वंश, जाति, धर्म और भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 23 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की संस्थापना करने और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। यह भी व्यवस्था की गई है कि शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन हैं। छठवां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, यदि कोई मुझसे यह पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो इस अनुच्छेद को छोड़कर मैं और किसी अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह तो संविधान का हृदय तथा आत्मा है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जिन्हें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक घोषित किया गया है, वह इस अनुच्छेद की रक्षा के लिए 5 प्रकार के लेख जारी कर सकते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए यह लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है। इसके बाद न्यायालय बंदीकरण वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। दूसरा है परमादेश।
परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य के पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। तीसरा है प्रतिषेध। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही ना करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। चौथा है उत्प्रेषण। यह आज्ञा पत्र अधिकांशतः किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिससे वह अपनी शक्ति के अधिक अधिकारों का उपभोग ना करे या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों को भंग ना करे। इस आज्ञा पत्र के आधार पर उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय के न्यायाधीशों को किन्हीं विवादों के संबंध में सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा है अधिकार पृच्छा। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार पृच्छा के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। संकट काल में भी अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। हमारा एक अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, इसे अनुच्छेद 21 में दिया गया था कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से उस समय तक वंचित नहीं किया जाएगा जब तक कि वो ऐसा करने के लिए विधि के प्राधिकार द्वारा प्राप्त ना कर लिया जाए और क्षतिपूर्ति की व्यवस्था नहीं की जाए। लेकिन अब संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद को 44वें संवैधानिक संशोधन 79 के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया है और अब ये केवल एक कानूनी अधिकार रह गया है। ये थे हमारे भारतीय संविधान में प्रदत्त 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। इन मौलिक अधिकारों की कुछ आलोचना भी की जाती है, जैसे कि कुछ प्रमुख अधिकारों को इसमें छोड़ दिया गया है, जैसे काम प्राप्त करने का अधिकार, कुछ परिस्थितियों में राज्य से सहायता प्राप्त करने का अधिकार, रोजगार का अधिकार, आवास का अधिकार। लेकिन इसका यही उत्तर दे सकते हैं कि किसी भी देश के संविधान के द्वारा देश में विद्यमान साधनों के आधार पर ही अधिकार प्रदान किए जा सकते हैं। एक आलोचना ये भी की जाती है कि इनके साथ में अत्यधिक अपवाद और प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, लेकिन इसके बारे में भी ये कहा जा सकता है कि यदि हम इन स्वतंत्रताओं को व्यवस्थापिका की इच्छा पर ही छोड़ देते हैं, जो कि एक राजनीतिक दल के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, तो इन स्वतंत्रताओं के अस्तित्व में भी संदेह हो जाएगा। और आलोचक ये भूल जाते हैं कि असीमित स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करना ना तो संभव है और ना ही हितकर है। मौलिक अधिकारों पर जो भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे उनका औचित्य पूर्ण होना आवश्यक है। एक आलोचना की जाती है कि संकटकालीन परिस्थितियों में कार्यपालिका को मूल अधिकारों के स्थगन का अधिकार दिया गया है और सामान्य काल में निवारक निरोध की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन इसके संबंध में हम कह सकते हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा व्यक्ति की स्वतंत्रता से कहीं अधिक मूल्यवान है। शासन को मूल अधिकारों के अतिक्रमण का अधिकार केवल आकस्मिक परिस्थिति में ही प्राप्त होता है और ऐसी परिस्थिति अल्पकालिक ही होती है। इस दृष्टि से मूल अधिकारों के स्थगन की व्यवस्था स्वतंत्रता और मूल अधिकारों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ही आवश्यक है। मूल अधिकारों के स्थगन की व्यवस्थाएं कुछ सीमा तक राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आवश्यक होने पर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यकता से अधिक सावधानी बरती गई है। ऐसी स्थिति में मानवीय स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए स्वयं व्यक्तियों और न्यायालयों द्वारा पर्याप्त सजगता का परिचय दिया जाना चाहिए। प्रसन्नता की बात यह है कि न्यायपालिका ने इस प्रसंग में सदैव ही सजगता का परिचय दिया है। ये हमारे भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार। अगले लेक्चर में हम देखेंगे मौलिक कर्तव्यों के संबंध में। धन्यवाद।